एस फैक्टर पूछा है, एक्स फैक्टर पूछा? एस फैक्टर, एस सचिन एंड सनी फैक्टर। हाँ हो, एस फैक्टर। अच्छा नहीं, मेरे को एक सेकंड के लिए एक्स फैक्टर सुनाएंगे। सनी, आप मानते हैं कि बॉलीवुड में आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है बाकी सब एक्ट्रेसेस के सामने? अगर बस तो ड्रिंकिंग ट्रिपल एक्स। सनी, आगे चल के भी क्या हम आपको इसी तरह के स्पेशल सॉन्ग्स में देखना चाह रहे हैं? देखेंगे, जो भी फिल्म देखोगे यू वॉच मी इन ऑल माय सॉन्ग्स। पहली बार अपने शाहरुख खान के नाम से आगे बैठे हैं सनी जोन। शाहरुख भाई बहुत अच्छे दोस्त है और उन्होंने एक दोस्त के नाते मुझे एक ब्रांड लॉन्च के लिए सपोर्ट किया था, उनका मैं बहुत आभारी हूँ उस बारे में। और ब्रांड एम्बेसडर का जो कल्चर है, आई थिंक सनी हमारी सबसे पहली ब्रांड एम्बेसडर। This is not a Layla outfit. This is a triple X outfit. You know what? We're creating three different types of looks for this campaign, and one of them is what you're seeing, which is a very traditional Indian outfit. S Factor is a lot in this photo shoot. Would you like to say something other than S Factor? S Factor pucha or X Factor? S Factor. S Sachin and Sunny Factor. Ah, oh, S Factor. Acha. नहीं, मेरे को एक सेकंड के लिए एक्स फैक्टर सुनाएंगे। एक्स फैक्टर है बिल्कुल, ये एक नए किस्म की सोच है। मतलब ट्रिपल एक्स को लॉन्च हुए लगभग 3 साल के ऊपर हो चुके हैं ब्रांड को, और मैं कुछ नया करना चाहता था, कुछ नया रिवाइवल करना चाहता था। और जब मेरी मार्केटिंग एजेंसी ने एक सर्वे किया, एक नए किस्म का कॉन्सेप्ट लाया, तब ये सामने समझ में आया कि देयर शुड बी अ कॉन्सेप्ट लाइक 40 एंजल्स। तो वो एक थॉट था, और उसमें अगर 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया जाए, और जो मोस्ट पॉपुलर लड़की इस वक्त जो है बॉलीवुड में, या एक एक चेहरा जिसको एक यंग टीनेजर देखना चाहता है बहुत ज़्यादा, तो वो सनी का नाम रेफर हुआ। और उसी तरह हमने सनी को अप्रोच किया, एंड दैट इज़ हाउ आई थिंक कोइंसिडेंटली एस फैक्टर आपका सेट हो गया। तो सनी, आप मानते हैं कि बॉलीवुड में आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है बाकी सब एक्ट्रेसेस के सामने? अगर बस तो आई एम ड्रिंकिंग ट्रिपल एक्स। फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुआ तो शाहरुख खान आए थे, उसके बाद भी सनी जोन आए थे। आप सोचते हैं कि हर साल इनका ग्रोअप ज़्यादा हो रहा है, बस पहली बार अपने शाहरुख खान के नाम से आगे बैठे हैं सनी जोन है? शाहरुख भाई बहुत अच्छे दोस्त है और उन्होंने एक दोस्त के नाते मुझे एक ब्रांड लॉन्च के लिए सपोर्ट किया था, उनका मैं बहुत आभारी हूँ उस बारे में। और मतलब ब्रांड एम्बेसडर का जो कल्चर है, आई थिंक सनी हमारी सबसे पहली ब्रांड एम्बेसडर, दैट इज़ दी कॉन्सेप्ट, और इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश है, सोच है। ट्रिपल एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। मेरे हिसाब से सनी इज़ एन एक्साइटमेंट इन द यंगस्टर्स, द ब्रांड इज़ एक्सट्रीम, शी इज़ गॉट अ एक्सट्रीम इमेज उनके साथ में, और एक्सपीरियंस तो होगा ही जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। अगर ये जो एनर्जी ड्रिंक है, वुड यू लाइक टू गिव सम, लाइक किसी अगर बॉलीविड एक्ट्रेस को गिफ्ट कर रहे हो, तो हु वाज विद दैट? आई थिंक ही इज़ गोना गिव मी अ केस आफ्टर द शूट, एंड आई'ल जस्ट गिव एवरीबॉडी अ कैन। Yeah, I mean, she's there with me for now 2 years with the brand, so she has to. Every single one should drink this drink. It's amazing. It tastes good. It's something that you can drink, I believe, all the time. Every actor and actress and every single person out there should drink this drink. So, जो आप लोगों का एसोसिएशन है, he is right there. सर, ये साथ उस पर्टिकुलर चीज को लेकर Well, of course, I would love to do a film with her. अगर उनकी dates available हो. Of course, I believe this is the beginning of a great relationship. So, we'll be working together for a long time, shaking it. Thank you. Have you seen her performance? Yes, I saw the film. काफी अच्छा था, and I think she is very talented. और आगे आप देखेंगे कि जो जिस कारण की वजह से आप देखते हैं कि सनी लियोन इज अ ब्रांड नेम, लेकिन मैं समझता हूँ उनमें काफ़ी कुछ टैलेंट है जो आप आगे फिल्मों में देखेंगे। सनी का सॉन्ग लैला इज आल्सो लाइक रियली डूइंग अ लॉट ऑफ लाइक इट्स गॉटन अ गुड रिएक्शन इन जनरल, इट्स योर फर्स्ट आइटम सॉन्ग, सो वुड यू लाइक टू शेयर हाउ इज द एक्सपीरियंस डूइंग द आइटम सॉन्ग विद जॉन एंड तुषार एंड एवरीबॉडी? इट वाज अमेजिंग वर्किंग विद देम, एंड
they showed me nothing but love, and like I said, every experience so far has been absolutely amazing, and I feel really blessed about that. I'm glad people are watching the song. I think we're at 1.3 million views right now, so that's great. I feel honored to be in a movie, you know, in the same movie as somebody like Priyanka Chopra and Sophie Chavez. So, I'm not on the same level as her, so we can't say that, you know, there's any comparison. She has been in this industry for so long and worked really, really hard. She deserves everything that she's gotten so far, and I'm just a new kid on the block, and I just want to make a good product. तनि आगे चल के फिर क्या हम आपको इसी तरह के स्पेशल सॉन्ग्स में देखना देखेंगे और क्या अपकमिंग फिल्म्स के बारे में अगर कुछ बता दें आप तो अब जो भी फिल्म देखोगे यू विल वॉच मी इन ऑल माय सॉन्ग्स